DJ Sonu Hazaribagh. हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिंस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से राइट इफेक्ट डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। तो ये जो सॉन्ग है, ये भोजपुरी सॉन्ग है। तो दोस्तों, प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम पूरा देखे बिना स्किप किए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो फोटो यूज होने वाला है ये फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो इफेक्ट वगैरह यूज होने वाला है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो, जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और देखो, जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, देखो ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, यह सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो लेयर है, ये लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना। देखो, जो बीट है, ये बीट के हिसाब से मैं सेट करके रखा हूँ। तो ये जो इफेक्ट है एकदम एंड तक मिल जाएगा देखने को। देखो, ये जो बीट है, ये सब भी बीट में देखने को मिल जाएगा, ये इफेक्ट, लाइट इफेक्ट। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एकदम फर्स्ट में आ जाना। और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो, ये जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करने का, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और दोस्तों, जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो, मैं एक फोटो को ऐड कर लिया हूँ। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों, ऊपर मुझे देखो 3 डॉट है, यहाँ पर टच करना होगा। और इधर से फोटो को फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों, ये जो मोबाइल ट्रांसफर में यहाँ पर टच करना होगा। और फोटो को इस तरह करके मिडिल पोजिशन कर लेना ठीक से। उसके बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में चले जाना। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो ये जो फोटो लेयर एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना है, ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को एकदम नीचे लाना होगा। तो क्या करना होगा, देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को ऐसे साइड में लॉन्ग प्रेस करके रखना है और एकदम नीचे ले आना। देखो, इस तरह करके नीचे की तरफ ले आना तो आ जाएगी। देखो, ऐसे करके ले आना। और जो सॉन्ग है उसके ऊपर ये फोटो लेयर को रखना होगा। तो ऐसे करके नीचे की तरफ ले आना। तो देखो, आ रहा है नीचे। तो ऐसे करके नीचे ले आना। और देखो दोस्तों, जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग के ऊपर ये फोटो लेयर को रख देना। तो दोस्तों, अब क्या करना है, एकदम फर्स्ट में चले जाना। और फर्स्ट में जाने के बाद दोस्तों, अब क्या करना होगा, देखो एक पीएनजी बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो पीएनजी बॉर्डर जो है वो मैं आगे जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में भी ये पीएनजी बॉर्डर को यूज किया हूँ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, उधर से डाउनलोड कर लेना ये पीएनजी बॉर्डर को। और अगर आपके पास पहले से है तो डाउनलोड करना नहीं होगा। तो देखो, पीएनजी बॉर्डर को ऐड करने के लिए ये जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। और ये जो मीडिया ऑप्शन है यहाँ पर टच करके देखो, ये जो पीएनजी बॉर्डर है, ये पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। देखो, इस वाले पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद दोस्तों, एकदम लास्ट में चले जाना। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो, जो पीएनजी बॉर्डर है, ये पीएनजी बॉर्डर एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, देखो ये जो फोटो है, ये फोटो में अब इफेक्ट देंगे। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना। और दोस्तों, देखो जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों, देखो जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा। और इफेक्ट में चले जाना, 3 डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना। और दोस्तों, फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद दोस्तों, देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा इफेक्ट देने के लिए। और ये फोटो लेयर को टच करने के बाद इफेक्ट में चले जाना, 3 डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो, जो फोटो है, ये फोटो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा। देखो, कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा फोटो में। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, देखो। तो दोस्तों, अब एक शेप को ऐड करेंगे। तो शेप ऐड करने के लिए देखो, जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। और ये वाला शेप को ले लेना। उसके बाद ऊपर में जो 3 डॉट है वहाँ पर टच करके फुल स्क्रीन कर लेना। और दोस्तों, एकदम लास्ट में चले जाना। और ये जो शेप लेयर है,
जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना तो से प्लेयर एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना है, इस से प्लेयर को ये जो कलर एंड फिल जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके देखो ऊपर में जो डॉट है ये डॉट को कुछ इस तरह और ये डॉट को कुछ इस तरह करके एडिट कर लेना। और एडिट करने के बाद दोस्तों देखो जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, मिडिल में जो ऑप्शन है पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, और ये जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करके इसको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, एक बार बैक हो जाना, और बैक हो जाने के बाद दोस्तों देखो ये जो सेप लेयर है ये सेप लेयर को भी एकदम नीचे लाना होगा, जो फोटो है उसके ऊपर रखना होगा, तो ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा दबा के और नीचे ले आना ऐसे करके, और जो फोटो है उसके ऊपर रख देना। तो दोस्तों देख सकते हो जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर के ऊपर ये सेप लेयर को रख देना इस तरह देखो। और दोस्तों आप क्या करना है, फिर से फर्स्ट में चले जाना, और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों पीएनजी फोटो को ऐड करेंगे, तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों देखो ये जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना, और ये पीएनजी फोटो को ऐड करने के बाद मोबाइल ट्रांसफर में आ जाना, और नीचे जहाँ आप रखना चाहते हो उधर ये पीएनजी फोटो को रख देना, उसके बाद एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में चले जाना, और ये जो ऑप्शन है टच कर देना। उसके बाद दोस्तों फिर से ये जो पीएनजी फोटो ले आ रहा है फोटो ले आ रहा है इसे दबा के रखना होगा, और फिर से ये जो फोटो ले आ रहा है ये फोटो ले आ रहा है एकदम नीचे ले आना, और जो ब्लैक शेड है उसके ऊपर ये पीएनजी फोटो को रखना होगा, देखो कुछ इस तरह करके नीचे ले आना, और ले आने के बाद दोस्तों जो ब्लैक शेड है इस हेडो के ऊपर ये पीएनजी फोटो को रख देना। देखो ये जो ब्लैक शॉट है उसके ऊपर ये पीएनजी फोटो को रख देना मेरी तरह, देखो कुछ इस तरह करके ले आना जैसे मैं दिखाया, लॉन्ग प्रेस करके नीचे ले आना। और दोस्तों अब क्या करना होगा, हमारा जो स्टेटस वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है, तो दोस्तों आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, उसके बाद दोस्तों ये जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।